फ्रेंड्स, ये मंडा पहाड़ है और इस मंडा पहाड़ पे एक छोटी सी शिव भगवान का मंदिर बना हुआ है, जो मैं आपको कुछ ही देर में वहाँ तक ले चलूँगा, दर्शन भी करूँगा और आपको भी दर्शन कराऊँगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नज़ारा, कभी आप आकर के देख सकते हैं। सावन मास में यहाँ मेला लगता है, आसपास के जितने गाँव हैं लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, जिस कारण से मंदिर दूर से नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको कुछ ही देर में मंदिर पे चढ़ूंगा। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ना होता है और वहां तक चलूंगा और आपको शिव मंदिर का दर्शन कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लगेगा, आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर लगभग 300 फीट ऊपर पहाड़ पे बना हुआ है, जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं। इसके बगल में एक गांव है मंडा, संभवतः उसी गांव के नाम पर इस पहाड़ का नाम मंडा रखा गया है, या इस पहाड़ के नाम के उस गांव का नाम मंडा रखा गया है, खैर मुझे ये मालूम नहीं दोस्तों, लेकिन इस पहाड़ का नाम है मंडा और इस पहाड़ पे एक शिव मंदिर बना हुआ है। तो चलिए, इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको कुछ ही देर में मंदिर में ले चलता हूँ और वहाँ से आपको शिव मंदिर का दर्शन कराता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं इस मंदिर पर चढ़ने के लिए, ये पहाड़ पे बना हुआ है। आगे आगे हमारे दो दोस्त विजय पाल जी और सुनील भगत जी चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे मैं अंगरक्षक के रूप में चल रहा हूँ। ईश्वर के दर पे आए हुए हैं। सर, कैसा ये मंदिर लग रहा है आपको? मंदिर बहुत सुंदर है, जगह भी सुंदर है, पहाड़ पर बसा हुआ है। चलिए आपको भगवान का दर्शन करवाते हैं, आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये बाहर में एक हनुमान जी का मूर्ति लगी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। जय भोले। ये आप देख सकते हैं भोले बाबा का दरबार में मैं आया हुआ हूँ, अपना सर को टेकने, आशीर्वाद लेने, और आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है इस मंदिर में, पूरी मंदिर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इस तरह का नज़ारा है, ये मंदिर का है। भोले बाबा के बगल में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। ये पहाड़ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर। कुछ इधर का आपको नजारा दिखाता हूँ। इस मंदिर के बगल में एक वट वृक्ष है, जो बहुत ही छायादार है। सावन मास में यहाँ बहुत बड़ी एक मेला लगता है, आसपास के जितने भी गांव हैं उस गांव से लोग आते हैं और यहाँ बाबा का दर्शन करते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और इधर देखिए कुछ मंदिर का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए आप नीचे बन रहा है। ये वट वृक्ष बहुत शानदार, बहुत छायेदार। देखिए यहाँ से आपको हम नीचे का नज़ारा दिखाते हैं कि पेड़ पौधे गांव एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और लगभग 200 से 300 फीट ऊपर पहाड़ पे बना हुआ है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों का है, इस पहाड़ में पेड़ बहुत कम मिलते हैं, मतलब एक नंगा पहाड़ जो कहा जाता है उस तरह का है, क्योंकि पेड़ बहुत कम हैं। ये पहाड़ का नज़ारा,
ये मंदिर ऊपर तक के देख रहे हैं, यही मंदिर है। इसके बगल में ये बड़ा सा वट वृक्ष है जो बहुत ही छायादार है, घना है और बड़ा पेड़ है। ये पहाड़ पर से दूर दूर तक नज़ारा आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो दोस्तों, यदि यह ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरह का आपको खूबसूरत जगहों का नज़ारा पेश करता हूँ। शिव मंदिर के गेट पे एक खूबसूरत फूल खिला हुआ है, आप देख सकते हैं। मंदिर के बगल में छायादार पेड़, आप ये शिव मंदिर पूरा आप देख रहे हैं जितनी हाइट है। तो ये पहाड़ पे बना हुआ एक छोटा सा मंदिर, लेकिन बहुत खूबसूरत। इधर एक कुटिया जैसा बना हुआ है जिसमें इस मंदिर के पुजारी रहते हैं, अभी तो नहीं हैं। फ्रेंड्स, मैं अब मंदिर से नीचे उतर रहा हूं, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ, मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ, साथ में हमारे एक साथी, प्रिय दोस्त, सहकर्मी, साथ में काम करते हैं। देख रहे हैं सीना टाइट करके एकदम आ रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अभी हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक का इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं, जिससे ये हमारे साथी गदगद हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।